हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्या होता है, इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड क्या होता है, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो क्या होगा, डिविडेंड डिक्लेयर करने का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्या होता है। देखिए, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 3 कहता है कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 5 दिन के भीतर भीतर कंपनी को डिक्लेयर्ड अमाउंट एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। अब जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी को क्लेम करेंगे डिविडेंड लेने के लिए। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा हो कि कंपनी ने डिविडेंड तो डिक्लेयर कर दिया लेकिन शेयर होल्डर ने क्लेम ही नहीं किया या डिविडेंड पे ही नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा? तो सर, सेक्शन 124 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं किया विद इन 30 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन, मतलब 30 दिन, जिस दिन डिक्लेयर किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स को क्लेम करना होता है डिविडेंड लेने के लिए, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर अंदर लोगों ने क्लेम नहीं किया तो उस केस में जो अमाउंट पे नहीं हुआ या जिस अमाउंट पे क्लेम नहीं किया गया, उस अमाउंट को जो है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा एक सेपरेट अकाउंट में, जिसे कहते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अगर बाद में कोई पर्सन कंपनी को मैसेज करता है या कंपनी को कहता है कि देखो कंपनी, मैं उस टाइम पे क्लेम नहीं कर पाया था, अब मुझे मेरा डिविडेंड दे दो, तो उस केस में जो कंपनी है वो इस अनपेड डिविडेंड अकाउंट से पैसा निकाल कर उसको दे देगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड क्या होता है। देखिए, IEPF का जो प्रोविजन है वो मेंशन है सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया था ताकि इस फंड के पैसे के जरिए जो इन्वेस्टर है उनको एडुकेट किया जा सके, उनको अवेयर किया जा सके और उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। कौन सा अमाउंट इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चलता है, कहां से आता है इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड का अमाउंट? देखिए सर, जो इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का जो अमाउंट है वो आपका सबसे पहले आता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट से। मैंने आपको भी बताया कि जब कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर कर देती हैं और शेयर होल्डर्स क्लेम नहीं करते, तो उस केस में जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है वो अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में चला जाता है। और अगर बाद में शेयर होल्डर्स आते हैं उस डिविडेंड को क्लेम करने के लिए तो उनको अमाउंट दे दिया जाता है। लेकिन ऐसा हो कि शेयर होल्डर आए ही ना तो अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में जो पैसा है वो कहां जाएगा? तो सर, कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर कोई शेयर होल्डर अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट का पैसा 7 साल में क्लेम नहीं करता तो उस केस में 7 साल बाद जो अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट का पैसा है वो IEPF यानी इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, इसी के साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी डोनेशन देती है IEPF को, और साथ ही साथ जो IEPF है उसने बहुत जो है अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है, कहीं कहीं पे डिपॉजिट दे रखा होता है, तो मैच्योर डिपॉजिट से और मैच्योर डिबेंचर से भी इनको पैसा मिलता है। साथ ही साथ ये लोग इंटरेस्ट भी रिसीव करते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स इन लोगों ने कर रखा होता है डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट फंड्स में, राइट, और भी बहुत सारे जो है सोर्सेज हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या होता है। देखिए सर, सबसे पहले कंपनी जो है वो बोर्ड मीटिंग करेगी और बोर्ड मीटिंग में डिसीजन होगा डिविडेंड डिक्लेयर करने का। उसके बाद जो कंपनी है वो डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014 को कंप्लाई करते हुए डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। सर, जो कंपनी है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेगी। ओके, उसके बाद जो है AGM करवाएगी कंपनी। AGM करवाने के बाद सभी से अप्रूवल लेगी, फिर उसके बाद जो है एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेगी जहां पर जो अमाउंट है डिक्लेयर डिविडेंड का वो आपका जो है ट्रांसफर होगा डिक्लेयर करने के बाद 5 दिन के भीतर।